वेलकम एवरी वन, यू ऑल आर रियली गोइंग टू एंजॉय सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। आयुर्वेदा, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आयु का ज्ञान है, इट इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। आयुर्वेद का पालन आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से, लगभग 5000 साल से ही स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। इट इज़ द मदर ऑफ ऑल हीलिंग, मे इट बी फिजिकल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल। आयुर्वेद के अनुसार केवल बीमारियों से मुक्ति पाना ही हमारा प्रयोजन नहीं है, बल्कि बीमारियों से शरीर को बचाना भी हमारा कर्तव्य है। तो ये आयुर्वेद रोगों की चिकित्सा के साथ साथ व्यक्ति के स्वस्थ रहने के तरीके भी बताता है। कहा भी गया है, प्रयोजनम च अस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। अर्थात आयुर्वेद के दो प्रयोजन हैं। नंबर वन, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना कि उसे कोई रोग नहीं हो जाए, जिसके लिए दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, योग, निदान, परिवर्जन, पथ्य पथ्य आदि का आयुर्वेद में विशेष वर्णन किया गया है। और नंबर दो, आतुर या रोगी के रोग की चिकित्सा करना। आयुर्वेद के प्रथम प्रयोजन की सिद्धि तभी हो सकती है जब हम यह समझ पाएं कि हमारे शरीर की सभी क्रियाएं या एक्टिविटीज़ दिन रात, ऋतु अवस्था तथा भोजन काल पर डिपेंड करती हैं। दिन के अलग अलग प्रहर में अलग अलग दोष प्रबल होते हैं, इसी प्रकार रात के विभिन्न प्रहर में भिन्न भिन्न दोष प्रबल होते हैं। ऋतु, व्यय, अवस्था तथा भोजन काल का भी दोषों की स्थिति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है, शरद ऋतु में पित्त का और वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है। इसी तरह से बाल्यावस्था में कफ, युवावस्था में पित्त तथा वृद्धावस्था में वात प्रबल होता है। भोजन काल की बात करें तो भुक्त मात्रे, दैट इज खाना खाते ही कफ का, जीर्य तन्ने, दैट इज खाना पचने के समय पित्त का, तथा जीर्ण अन्ने, दैट इज खाना जब पूरी तरह से पच जाए तो वात की प्रबलता होती है। इसी को बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, जो दिन रात, ऋतु, व्यय, भोजन काल के अनुसार शरीर के क्रियाओं का संचालन करती है। सो बायोलॉजिकल क्लॉक इज सेट टू बी एन इननेट मैकेनिज्म इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कंट्रोल्स द पीरियोडिसिटी और रिदम ऑफ वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज इन द बॉडी। Biological clock refers to many cycles in our body, may it be aging, fertility in females, menstrual cycle, circadian clock, seasonal clock, etc. Here we will explain circadian clock in detail. Circadian is a Latin word which means about a day, or exactly it is about 24 hours. So 24 घंटे में जो शरीर में cyclical changes होते हैं उसे हम सर्कैडियन क्लॉक कहते हैं। हमारे आचार्यों ने कई हजार वर्ष पूर्व ही दिन और रात में होने वाले दोष परिवर्तन का वर्णन कर दिया था। दिन और रात का पृथ्वी का चक्र इतना रिलायबल है कि इस बात में कोई शंका या हैरानी रह ही नहीं जाती कि पशु पक्षी, पेड़ पौधे तथा सभी जीव अपना बिहेवियर और फिजियोलॉजी इसके अनुसार एडजस्ट कर लेते हैं। आयुर्वेद के प्रथम प्रयोजन की सिद्धि के लिए, अर्थात स्वस्थ रहने के लिए, इस दिन और रात में होने वाले दोष परिवर्तन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको ध्यान में रखते हुए व्यक्ति अपने आहार विहार को रेगुलेट कर पाएगा कि उसे किस समय क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तो इसके लिए दिन और रात को तीन तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया है, मॉर्निंग, मिड डे, आफ्टरनून, इवनिंग, मिडनाइट और नाइट। डॉन से लेकर डस्क तक का टाइम, यानी सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन का, तथा डस्क से डॉन तक रात का टाइम है। आयुर्वेद के अनुसार दिन और रात दोनों को ही तीन तीन प्रहर में बांटा गया है। दिन के तीन प्रहर पूर्वाहन, मध्याहन और अपराहन कहलाते हैं। सुबह सूर्योदय से लगभग 10 बजे तक पूर्वाहन, 10 से 2 बजे तक मध्याहन और 2 से शाम 6 बजे तक अपराहन कहलाता है। इसी प्रकार शाम के 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रदोष, 10 बजे से रात 2 बजे तक अर्धरात्रि तथा 2 बजे से लगभग 6 बजे तक प्रत्युषा काल कहलाता है। अब हम सोचेंगे कि इन अलग अलग प्रहरों का वर्णन करने का सिग्निफिकेंस क्या है,
क्या महत्व है एक ही दिन को पूर्वाहन, मध्याह्न और अपराहन में बांटने का, या एक ही रात को प्रदोष, अर्धरात्रि और प्रत्योषा काल में बांटने का? तो हाँ, ये सब आवश्यक हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर त्रिदोष से बना है। त्रिदोष यानी कि तीन दोष, वात, पित्त, कफ, जिनके बिना शरीर की स्थिति ही संभव नहीं है। आचार्य सुश्रुत कहते हैं, न रते देहे कफात अस्ति न पित्तान न च मारुतात। मतलब ये शरीर न कफ के बिना संभव है, न पित्त के बिना, और ना ही वात के बिना। तो इन दोषों का दिन और रात से क्या लेना देना है? जी हाँ, दिन और रात से लेना देना है। सभी आचार्य ने वात, पित्त, कफ की स्थिति दिन और रात के अनुसार बताई है। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि दिन और रात के प्रथम प्रहर यानी पूर्वाहन और प्रदोष काल में कफ की स्थिति प्रबल होती है, अर्थात सुबह 6 से 10 बजे तक और शाम को 6 से 10 बजे तक कफ शरीर में प्रबल रहता है। इसके बाद मध्याह्न और अर्धरात्रि में यानी 10 से 2 बजे तक दिन में और 10 से 2 बजे तक अर्धरात्रि को पित्त की स्थिति शरीर में प्रबल होती है। ऐसे ही दिन के अंतिम प्रहर तथा रात के अंतिम प्रहर में यानी अपराहन और प्रत्युषा काल में, जो कि दोपहर 2 बजे से शाम के 6 बजे तक का तथा रात के 2 बजे से प्रातःकाल के 6 बजे तक का समय रहता है, इसमें वात की स्थिति शरीर में प्रबल होती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि दिन और रात के विभिन्न प्रहरों में दोष अपनी प्रबलता शो करते हैं। इन दोषों की स्थितियों के अनुसार ही शरीर में अपनी क्रियाओं का प्रतिपादन होता है। फॉर एग्जाम्पल, वात प्रकोपक काल में माइंड का अलर्ट रहना, पित्त प्रकोपक काल में अग्नि की तीव्रता तथा कफ प्रकोपक काल में भारीपन, निद्रा, तंद्रा, कफजन्य रोगों का प्रबल होना, जैसे आमवात, काश, श्वास, ऐसे बहुत सी चीज़ें। आपने देखा होगा कि अर्ली मॉर्निंग में ही रूमेटिक आर्थराइटिस के पेशेंट्स या नॉर्मली भी लोग जॉइंट्स में अधिक स्टिफनेस बताते हैं। काश, श्वास जैसे रोग भी कफ काल में अधिक प्रभाव शो करते हैं। नॉक्टर्नल एस्मा का प्रभाव शाम के 8-9 बजे के को ही देखने को मिलता है। ये कफ का ही काल है। हजारों वर्ष पूर्व ही हमारे आचार्यों ने जिस कंसेप्ट को क्लियर कर दिया था, उसका आज भी विश्लेषण हो रहा है। मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग हमारे शरीर में सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग में सलाइवा की प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, मेलेटोनिन सिक्रीशन स्टॉप हो जाती है, मॉर्निंग स्टिफनेस होती है। इस समय लाइट मील्स लेने को कहा गया है। तो कफ का काल है, मंदाग्नि होती ही है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन फूड में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है और वेस्ट को लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र कर देती है। मॉडर्न साइंस ये मानती है कि दोपहर 12 बजे से 1 बजे के करीब एसिड सिक्रीशन पीक पर होता है। एज वी ऑल नो, इट इज पित्त काल, अग्नि इज तीक्ष्ण इन एट दिस टाइम। तो इस टाइम हैवी मील्स लेने के लिए इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। 2 बजे के बाद का समय बेस्ट कोऑर्डिनेशन टाइम कहा गया है। फास्टेस्ट रिएक्शंस कैन गो ऑन, माइंड अलर्ट कंडीशन में होता है, सो बी सोशलाइज, क्रिएटिव एट दिस टाइम, ऐसा कहा गया है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स बढ़ जाती हैं, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ अलॉन्ग विद मेंटल अलर्टनेस आर एट देयर पीक। क्योंकि वी ऑल नो वात का काल है ये। इसी तरह शाम को इम्यून सिस्टम बेटर वर्क करता है, मेलेटोनिन सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है। मेलेटोनिन एक स्लीप हार्मोन है जो पिनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है और नींद को लाने में सहायक होता है, इसीलिए इस समय ड्राउजीनेस मिलती है। नॉक्टर्नल एस्मा इज फाउंड एट दिस टाइम। सो ये सब कफ के ही कारण हैं, होता है। रात को जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं तो लीवर डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी के टॉक्सिन्स को, लीवर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आर ड्यू टू पित्त इन आर बॉडी, वी ऑल नो दिस थिंग। तिक्तास्यता बताई गई है हमारे आयुर्वेद में इस समय। अभी हम आयुर्वेद के अनुसार इन सभी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ का जो सर्कैडियन रिदम शो कर रही हैं वर्णन करेंगे। अब जैसे रात अपनी चरम सीमा पर पहुँचती है तो मेलेटोनिन अधिक और अधिक सिक्रीट होता है और डीपेस्ट स्लीप का टाइम आ जाता है। रात के 2 बजे के बाद ड्रीम्स अधिक आते हैं, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। ये सब वाताधिक्य के कारण ही तो होता है। तो मॉडर्न साइंस में ये जितने भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस सर्कैडियन रिदम के अकॉर्डिंग बताए हैं,
वो सब हमारे आयुर्वेद में दिन और रात में होने वाली शारीरिक दोष अवस्था के अनुसार बहुत समय पहले ही बता दिए गए थे। तो आइए अब एक बार इन लक्षणों को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है दिन का प्रथम प्रहर या कफ काल। सुश्रुत आचार्य कहते हैं कफ की वृद्धि होती है तो शरीर में गुरुता, स्थिरता और संधियों और अस्थियों में विश्लेष होता है। आचार्य वाग्भट के अनुसार प्रसेक यानी मुख में लार की अधिकता कह सकते हैं, अग्निमांद और कास श्वास के लक्षण मिलते हैं। यही सब अभी हम मॉडर्न साइंस की सर्कैडियन क्लॉक में भी देखा हमने कि अर्ली मॉर्निंग में हैवीनेस, जॉइंट स्टिफनेस, इंक्रीज सलाइवरी प्रोडक्शन एंड कफ कोल्ड के सिम्टम्स मिलते हैं और इस समय लाइट ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, जैसा कि वाग्भट कहते हैं कि इस समय अग्निमांद होता है। अब बात करते हैं मध्याह्न की, दैट इज दिन का मध्यम प्रहर, जब पित्त की शरीर में वृद्धि होती है। सुश्रुत आचार्य कहते हैं पित्ताधिक्य होने पर शीतल आहार विहार की इच्छा होती है तथा इस समय जठराग्नि प्रदीप्त होती है। आचार्य वाग्भट कहते हैं कि जब शरीर में पित्त की वृद्धि होती है तो भूख प्यास अधिक लगती है और क्रोध भी अधिक आता है। मॉडर्न साइंस ऑल्सो एक्सेप्ट इट दैट ड्यूरिंग मिड डे द एसिड सिक्रीशन इज एट इट्स पीक एंड देयरफॉर वन शुड टेक हैवी मील्स एट दिस टाइम। तो ये अभी हमने पीछे आपको बताया ही है कि मॉडर्न साइंस में इस टाइम पे एसिड सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बताई गई है होती है, तो ये सब पित्त के कारण ही है। देन कम्स अपराहन या दिन का अंतिम प्रहर, जिसमें वात की अधिकता शरीर में पाई जाती है। आचार्य सुश्रुत ने वात की अधिकता होने पर अल्पबल, गात्रस्फुरण और निद्रा नाश जैसे लक्षण बताए हैं, जो कि मॉडर्न साइंस में भी कहा गया है कि दो देयर इज डिक्रीज्ड फिजिकल स्ट्रेंथ बट वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज लाइक कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज, पल्सेशंस आर एट देयर पीक, हाई अलर्टनेस एंड इंक्रीज्ड क्रिएटिविटी का टाइम होता है ये। वाग्भट ने जो आधमान यानी पेट में गुड़गुड़ाहट और आटोप यानी पेट फूलना ये जो लक्षण बताए हैं, ये इंक्रीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के ही हैं। रात को भी इसी तरह कफ, पित्त, वात का काल होता है। रात्रि के प्रथम प्रहर में कफाधिक्य होता है, इसलिए अवसाद, तंद्रा, निद्रा, अग्निमान एवं श्वास जैसे लक्षण मिलते हैं। सरप्राइज्ड टू सी द साइंटिफिक बेसिस ऑफ ऑल दीज, मेलाटोनिन स्टार्ट सिक्रीटिंग एट दिस टाइम सो वी फील ड्राउजी। तो ये तंद्रा का कारण ही तो है। फिर इस समय लाइट मील्स की इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, क्योंकि अग्निमान कफाधिक्य का विशिष्ट लक्षण है। वाग्भट द्वारा बताया गया श्वास रोग, अमेजिंग टू सी दैट स्टडीज हैव शोन दैट नॉक्टर्नल एस्थमा इज फाउंड एट अबाउट 8 to 9 PM, वेरी साइंटिफिक। अब आता है रात्रि का मध्यम प्रहर, जो कि पित्त का काल है। आयुर्वेद के अनुसार पित्ताधिक्य से बलहानि, इंद्रिय दौर्बल्य, मूर्छा यानी कि अनकॉन्शियस माइंड, ग्लानि इंद्रियों की थकावट, ओजो विसरंस और मुख में तिक्तता होती है। मॉडर्न साइंस आल्सो सेज दैट बॉडी स्ट्रेंथ डिक्रीजेस एज पर्सन फील स्लीपी ड्यू टू पीक लेवल्स ऑफ मेलाटोनिन एट दिस टाइम। मोरओवर लीवर डिटॉक्सिफाइज टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी, सो तिक्तास्यता इज फाउंड, दिस ऑल इज साइंस। हमारे आचार्यों ने साइंटिफिक तरीके से सब चीज लिखी है। नाउ रात्रि का जो अंतिम प्रहर है, उसमें जब वात की अधिकता होती है उसे प्रत्युषा काल कहा गया है। आयुर्वेदानुसार वाताधिक्य होने से उष्ण आहार विहार की इच्छा होती है, निद्रा नाश, अल्पबल, गाढ़वर्ज तथा इंद्रिय भ्रंश होता है। अब हम मॉडर्न साइंस की सर्केडियन क्लॉक पे जाएं तो हमें ध्यान आएगा कि उसमें हमने अभी अभी देखा कि इस टाइम लो बॉडी टेम्परेचर होता है, इसलिए ठंड लगती है और उष्णता की इच्छा होती है। वेरी अर्ली मॉर्निंग या ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर उष्ण जल की इच्छा होती है। सेकेंडली मेलाटोनिन सिक्रीशन इस समय स्टॉप हो जाता है, देयरफॉर निद्रा नाश होता है और इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना अच्छा बताया गया है। मॉडर्न साइंस सेज दैट लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेस्टेड फूड से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, देयरफॉर फॉर्म्ड स्टूल आता है, इसीलिए तो गाढ़वर्च कहा गया है।
ड्रीम्स का यही टाइम बताया गया है और आयुर्वेद में स्वप्न की उत्पत्ति वात के कारण ही कही गई है। सो आयुर्वेद इज वेरी साइंटिफिक, कंप्लीटली साइंटिफिक। तो व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट, अंडरस्टैंड इट। देयर इज अ बायोलॉजिकल क्लॉक इन आवर ब्रेन व्हिच रेगुलेट्स ऑल द बॉडी क्लॉक्स, मे इट बी हार्ट सर्कुलेशन, लिवर मेटाबॉलिज्म, GI tract, etc. Molecular identity of the circadian clock is unknown till now. But it is found that circadian clock is a biochemical oscillator जो solar time या light की अपेक्षा रखता है, चाहे वो सूर्य किरणों से मिलने वाली light हो या artificial कमरे की lights हो। This light acts as input. ये light input की तरह काम करती है और circadian clock को reset करती है। इस लाइट इनपुट से ऑसिलेटर स्टिमुलेट होते हैं और डे नाइट के अकॉर्डिंग बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल रिदम्स शो करते हैं। स्टडीज हैव शोन दैट लाइट रेगुलेट्स द सुप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस, जो इन फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल सर्कैडियन रिदम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो यही ऑसिलेटर्स हैं हमारी बॉडी में। एक्चुअली व्हाट हैपन्स When light goes to suprachiasmatic nucleus, it sends message to pineal gland to stop secreting melatonin, जो कि sleep inducing hormone है। इसीलिए light से हमारी नींद खुल जाती है और रात को या darkness में suprachiasmatic nucleus pineal gland को अधिक melatonin secrete करने का message देता है, जिससे नींद आती है। ये तो sleep wake clock हुई। साथ ही suprachiasmatic nucleus day time में light से स्टिमुलेट होकर दूसरी जितनी भी शरीर की क्लॉक्स हैं, जैसे लीवर क्लॉक, हार्ट क्लॉक, मसल क्लॉक, डाइजेस्टिव क्लॉक, इम्यूनिटी क्लॉक आदि, इन सब को भी रेगुलेट करता है। इसीलिए हाइपोथैलेमस के इस सुप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियस को मास्टर क्लॉक कहते हैं। बहुत सी रिसर्चेस हुई हैं जिसके बाद पता चला है कि हमारे शरीर में कुछ क्लॉक जीन्स होते हैं विच कंटेन इंस्ट्रक्शंस टू प्रोड्यूस क्लॉक प्रोटीन्स। यही क्लॉक जीन्स और क्लॉक प्रोटीन्स बायोलॉजिकल क्लॉक्स को मेंटेन करने का काम करते हैं और सर्कैडियन रिदम्स को एक सिंक्रोनाइज्ड वे में चलाते हैं। दीज क्लॉक जीन्स एंड क्लॉक प्रोटीन्स शो फीडबैक मैकेनिज्म आल्सो, दैट मींस क्लॉक प्रोटीन्स के एक सर्टेन लेवल पर आने पर क्लॉक जीन्स और क्लॉक प्रोटीन्स नहीं बनाती हैं और अधिक क्लॉक प्रोटीन्स को नहीं बनाती हैं, और इसी तरह से जब ये कम हो जाते हैं तो क्लॉक जीन्स और मैसेज देती हैं कि क्लॉक प्रोटीन्स अधिक मात्रा में बने। तो इस तरह से हमारे शरीर का हर टिश्यू, हर ऑर्गन, हर सिस्टम बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग ही ऑपरेट करता है। यहाँ तक कि ड्रग एफिकेसी भी हमारी क्लॉक्स के साथ लिंक्ड होती हैं। कुछ दवाइयाँ खाली पेट अधिक असरदार होती हैं, कुछ खाने के बाद, एंड सो ऑन। इसीलिए आयुर्वेद में औषधि काल का भी वर्णन किया गया है। आचार्यों का यह विशिष्ट ज्ञान सराहनीय है। ये सब जानने के बाद हम समझ सकते हैं कि बायोलॉजिकल क्लॉक्स ठीक से काम ना करें तो क्लॉक डिसफंक्शन के रोग भी हो सकते हैं, जैसे इंसोमनिया, डिप्रेशन, डिस्ट्रेस, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, डायबिटीज, एट्सेट्रा। देखा गया है कि स्लीप डिस्ट्रप्शन या नाइट ड्यूटीज करने वाले लोगों में IBS, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, या GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, या पेप्टिक अल्सर जैसे GI ट्रैक्ट के डिसऑर्डर्स अधिक पाए जाते हैं। वेरियस स्टडीज आर फाउंड फॉर दिस कॉन्टेक्स्ट। सभी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जितने भी हैं वो सब बायोलॉजिकल क्लॉक के बिगड़ने से ही होते हैं, क्योंकि हम बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से आहार विहार नहीं करते। तो इससे बचने के लिए, क्लॉक डिसफंक्शन से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो इससे बचने के लिए अब हम देखेंगे कि पहला जो कफ काल बताया गया है उसमें हमें अर्ली मॉर्निंग में कवल और कंडूश करने के लिए बताया गया है। इस टाइम प्रमित भोजन, लघु आहार लेना चाहिए, कटुतिक्त कषाय का सेवन करना चाहिए। तो यानी कि लाइट ब्रेकफास्ट जो बताया गया है वो काम हमें करना है इस टाइम में। कवल गंडूश कफर होते हैं तो ये सब करना अति आवश्यक है, जो सुबह का टाइम बताया अर्ली मॉर्निंग।
टू ले 6 बजे से 10 बजे के बीच। अब जो है उसके बाद पित्त का समय हो जाता है, उस टाइम पे हमें हैवी मील्स लेनी है। क्यों? क्योंकि उस टाइम अग्नि स्ट्रॉन्ग होती है। मधुर तित और कषाय का सेवन करें। अनशन नहीं करना चाहिए, खास बात है कि इस टाइम पे अनशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि अग्नि जो है वो तीक्ष्ण होती है। देन कम्स वात का काल जो है, अपराहन का काल, 2 बजे से 6 बजे तक का काल। उसमें जो है स्मॉल नैप लेने के लिए कहा गया है दिवाशयन। और इसमें करना क्या है, क्रियावान होता है मस्तिष्क, तो ऐसे टाइम में कम्युनिकेट करें, सोशलाइज बने, क्रिएटिव हों। और ये टाइम गुड टाइम बताया है फॉर टैकलिंग योर प्रॉब्लम्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है रात्रि के 3 प्रहर जो हैं, उसमें पहला आता है प्रदोष काल, जिसमें कि कफ की अधिकता होती है, जो 6 बजे से 10 बजे तक का टाइम है। उसमें जो है आप प्रमित भोजन लेने के लिए कहा गया है क्योंकि कफ का काल है, तो हल्का आहार लेना है, लाइट डिनर लीजिए। लघु आहार कटु तिक्त और कषाय अन्न का सेवन करना चाहिए। रात को 10 बजे से लेके 2 बजे तक का जो स्लीप का टाइम है, उसमें आपको रेस्ट ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस टाइम लीवर जो है वो डिटॉक्सिफाई कर रहा है, हमने बताया आपको, टॉक्सिन्स को। तो लीवर को अपना काम करने देने के लिए हमें बॉडी को रेस्ट देना चाहिए ताकि उसमें लीवर में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर पहुँच सके। तो उस टाइम पे प्रोसेसिंग हो रही होती है फूड की, तो इस टाइम सुखदायक बताया गया ये टाइम। और सौम्य भावों का सेवन करना चाहिए, आराम करना चाहिए। देन कम्स एट लास्ट वात का समय आ जाता है, जो रात को 2 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक रहता है। इसमें हम देखेंगे कि सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त है, 4 बजे से 5 बजे का टाइम जो ब्रह्म मुहूर्त का होता है, उसी में उठ के प्राणायाम और योगासन जरूर करने चाहिए। मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना तो बहुत ही अच्छा बताया गया है। तो एक्चुअली ये सारी चीज़ें जो हैं आयुर्वेद के अनुसार अगर हम फॉलो करें तो हमें बीमारी नहीं होगी। हम जो है वात पित्त कफ को ध्यान में रखते हुए अगर सभी चीज़ों का पालन करते हैं तो ठीक रहेंगे, निरोग रहेंगे। अब हमें करना क्या नहीं है, व्हाट टू अवॉइड, क्या नहीं करना चाहिए। पहले जो सुबह उठने के बाद जो है क्या है, कफ का काल है, सुबह का जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। अगर आप अव्यायाम, पहली बात दिवा स्वप्न, उस टाइम पे सोते नहीं रहना है, दिवा स्वप्न नहीं करना चाहिए क्योंकि वो कफ वृद्धि का कारण होता है। अव्यायाम मतलब एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। आलस से छोड़ दीजिए। और गुरु भोजन का सेवन नहीं करना है, पहले भी मैंने बताया कि लाइट फूड लेना है इस टाइम पे। गुरु भोजन का सेवन ना कीजिए जिससे कि कफ बढ़ के और अधिक रोग उत्पन्न हो जाए। सेकंड जो पित्त का काल है, 10 बजे से 2 बजे का टाइम जो है, उसमें आपने अनशन नहीं करना है क्योंकि अग्नि तीव्र होती है इस टाइम। स्वेदन नहीं करना है, अग्निताप नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। पित्त और अधिक विकृत हो जाएगा, बढ़ जाएगा और पित्तज व्याधि होने का खतरा रहेगा। अब वात का काल जो अपराहन का काल है, उसमें व्यायाम नहीं करना चाहिए क्योंकि पहले से वात बढ़ी हुई है, तो उस टाइम आप व्यायाम नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे। प्लवन यानी कि तैरना बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इसमें आपको तैरने के लिए स्विमिंग वगैरह नहीं करनी इस टाइम पे। स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं कुछ लोग, लेकिन ये टाइम ध्यान रखा जाए कि इस टाइम पे ना किया जाए। भय का, शोक का, इससे जो है शोक वगैरह, ये इस तरह के अगर मानसिक भाव आते हैं तो वो भी वात को बढ़ाने वाले कारण होते हैं। इसके बाद फर्दर कफ का काल आता है, तो कफ का काल आ जाता है तो शाम का जो आपका 6 बजे के बाद का टाइम है, उसमें शीतल वायु का सेवन ना करें। दही शाम को मना की गई है, उड़द का सेवन ना करें। तिल पिष्ट वगैरह, पीठी वगैरह का सेवन, इक्षु रस, ईक का रस, गन्ने का रस, गुरु आहार, इनका सेवन शाम को नहीं करना है। फिर रात को सोने का टाइम जो आ रहा है, उसमें क्रोध ना करें। सोवीरक यानी कि कांजी का सेवन ना करें, एसिडिक चीज़ें, सुरा विकार, जो ये सुरा के विकार बताए गए हैं, एक्चुअली जो भी ड्रंकर्स हैं उनको मैं कहूँगी अवॉइड करें, ये सुरा विकार बिल्कुल पित्त के काल में लेना ठीक नहीं है। देन उसके बाद जो है वात का काल, रात को आप सो ही रहे हैं 4-5 बजे,
ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ही सेहत के लिए अच्छा होता है। उस टाइम में उठ के एक्सरसाइज कीजिए, और एक्सरसाइज करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में सोना गलत बताया, व्हाट टू अवॉइड के हम बात कर रहे थे, तो ब्रह्म मुहूर्त में सोना जो है वो हमें अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम 5 बजे तक उठ ही जाएं। तो ये सब चीज़ें अगर हम सही ढंग से इनका पालन करेंगे तो हम जो है निरोग रहेंगे, हमें रोग नहीं होगा, स्वस्थ रहेंगे। तो आयुर्वेद का पालन करें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। थैंक यू सो मच।